अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर आपके पास कोई लाइट मूव करती हुई आ रही है, ये मीडियम है, ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट जब एंटर करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल आए और ये रिफ्रैक्शन आर। नॉर्मली लोग याद करते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई बाय साइन आर है और वही क्या है स्नेल्स लॉ है। नहीं ऐसा यूज़ नहीं करना, ऐसे नहीं यूज़ करना, ऐसे यूज़ करना है जो मैं करने दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना। वो क्या, लोगों कैसे देखने, साइन आई, ये आई से आर हो गया, ऐसे लगाना है, रे ऑफ लाइट म्यू वन से म्यू टू आ रही है तो लिखो म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई, म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर। क्या करेंगे, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, ऐसे लगाना है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल। तो यहां से साइन आए बाय साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, म्यू टू बाय म्यू वन, साइन आए बाय साइन आर क्या आएगा, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। एक चीज याद रखना, जब मैं ये बोलता हूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका मतलब यह है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाता है, एयर या वैक्यूम, लिखा नहीं जाता बट माना जाता है कि ग्लास के आसपास क्या मीडियम है, एयर या वैक्यूम, राइट? तो इसके अंदर जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का है, यहां पे कुछ लिखा नहीं, तो यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या है इसका, वैक्यूम। ऐसे ये वन का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पे कुछ लिखा नहीं हुआ, अंडरस्टूड है एयर या वैक्यूम। लेकिन एक रूल है इसमें ऑप्टिक्स में, स्नेल्स लॉ में, ये इंपॉर्टेंट दिखाने जा रहा हूं, टू न्यूमिनेटर में है, वन डिनोमिनेटर में है, तो इस टू को आप यहां लिख दें, इस वन को आप यहां लिख दें। तो कैसे लिखना, ये स्टाइल है, न्यूमिनेटर वाली टर्म जो है वो इसके पैर में आ जाएगी और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। यानी कि अब टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पर बाहर मीडियम वैक्यूम नहीं है, बाहर क्या है, वन है। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है यहां तक? आएगा, पूछ रहे हो, ये इसके बिना ऑप्टिक्स का एबीसी भी नहीं आ सकता, मतलब एबीसी भी नहीं। अगर तुमने ये सीखा नहीं ना लगाना, तो ऑप्टिक्स मत पढ़ना, अब सारे मेडिकल गलत हो जाएंगे, बात ही खत्म है। और रे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, मतलब चैप्टर ही छोड़ जाना और बोलो, इससे ऊपर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, कोई न्यूमेरिकल ही नहीं होएगा, कुछ थ्योरी भी नहीं होएगी, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब एक चीज देखो, सपोज करो ये रे ऑफ लाइट आई, ये बेंड हो गई, ये लो, इसके अंदर सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आए और ये रिफ्रैक्ट आर, ये मान लो ग्लास है और ये मान लो वाटर है, तो कैसे लगेगा? म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आई, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर, म्यू वाटर म्यू ग्लास साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, बोलो कैसे लगाएं? वाटर ऊपर है नीचे, ग्लास नीचे तो ग्लास ऊपर, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज मान लो 5/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सिर्फ ग्लास इज इक्वल टू 3/2, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें ऐसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी इक्वल टू वाटर एंड ग्लास, ऐसे वाटर नीचे है ऊपर आ गया, ग्लास ऊपर है नीचे आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की वैल्यू कितनी की बने? 5/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू कितनी की बने? 3/2, सॉल्व करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे लगाने? स्नेल्स लॉ समझ में आ रहा है?